नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एलपीपी के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने ग्राफीय विधि से हल करना सीख लिया कि कैसे आप ग्राफीय विधि द्वारा हल निकाल सकते हैं। ग्राफीय विधि से हलों के प्रकार भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधारी हल के बारे में, बेसिक सोल्यूशन किसे कहते हैं, आधारी हल या बेसिक सोल्यूशन। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आधारी हल, बेसिक सोल्यूशन, या इसे कहेंगे बीएस, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक, क्या होता है, एग्जाम के अंदर सीधा देगा, समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसका आधारी हल ज्ञात कीजिए। अब पूरी चीज़ समझते हैं कि आधारी हल वास्तव में होता क्या है, कैसे किनका निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आधारी हल निकालने के लिए आपको दो से अधिक चर आपके पास होने चाहिए, जिसमें आप अभी अब तक आप दो चरों वाले पढ़ रहे थे। इसमें क्या होगा, दो से अधिक चर आपके होने चाहिए, तभी आप आधारी वाली कंडीशन लगा सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं आधारी हल के अंदर। ये मान लीजिए, ये आपके पास समीकरण है, एक समीकरण लिखता हूँ मैं, 2x प्लस का y प्लस का z लेस देन इक्वल 5, और एक है 3x प्लस का 2y प्लस का z लेस देन इक्वल 10। ये समीकरण है, ये आपकी समीकरण है। एक बार सिर्फ हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आधारी हल के अंदर n और m मान होंगे। n क्या होता है, देखिए, स्मॉल n, चरों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, ये नेसेसरी कंडीशन है आधारी हल ज्ञात करने के लिए। क्या कैसे आप आधारी हल ज्ञात करें, वो स्टेप ही आपको मैं सिखा रहा हूं। n क्या है, चरों की संख्या, और m होगा समीकरण की संख्या। n तो है चरों की संख्या और m है समीकरण की संख्या। अब देखो, यहां पर चर कितने हैं, 1, 2, 3, यानी इसके अंदर चरों की संख्या n बराबर तो 3 हो गया। समीकरण कितनी है, 1 है और 2 है। समीकरण तो 2 ही है, 1 है और 2 है। समीकरण है आपकी, m का मान 2 है। एक मिनट भाई, ठीक है, चरों की संख्या और समीकरण की संख्या, n से तो व्यक्त करेंगे चरों की संख्या को, और m से व्यक्त करेंगे हम समीकरण की संख्या को। उसके बाद देखो क्या करना है, n माइनस m आपको निकालना है। वो क्या होगा, n माइनस m, अभी बात करते हैं। देखिए, n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, n माइनस m चरों को शून्य के बराबर, n माइनस m जो चर हैं उनको शून्य के बराबर हम रखेंगे। यानी क्या होगा, यहां पर आपको मान निकालने पड़ेंगे समीकरण के। यानी पहले, अब ये इतना है तो यहां पर सबसे पहले n माइनस m, यानी कितना आएगा, देखो 3 माइनस 2 1 आएगा। अब एक चर को आपको शून्य के बराबर रखना है। पहले हमने x को रख लिया, फिर y z के मान हम निकालेंगे। देखो, दो चर आ जाएंगे, दो चरों को आप हल करके निकाल सकते हैं ना, मान वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपने पहले किया था, y और z के मान आ जाएंगे। फिर ऐसे ही दूसरे स्टेप के अंदर y को 0 के बराबर रखेंगे और x और z के मान निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर आपका z को 0 के बराबर रख लेंगे और फिर x और y के मान आ जाएंगे। तो इस प्रकार तीन आपके आधारी हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी यही आपके हल होंगे। जो बिंदु निकालने हैं, क्षेत्र के बिंदु निकालने हैं, वही आपके आधारी हल होते हैं। यानी सबसे पहले तो चरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए 3, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ये इक्वेशन पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद समीकरण की संख्या, समीकरण भी कितनी भी हो सकती है, m का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद n माइनस m चरों को शून्य के बराबर हम रखेंगे, यानी इसके अंदर एक मान आया है तो ये पहले एक चर को शून्य के बराबर रखते हैं, फिर आप आगे वाला। अगर यहाँ पर 3 समीकरण होती 2 समीकरण 1 समीकरण होती, तो इस प्रकार से आप 2-2 चरों को शून्य के बराबर रखते हैं और इस प्रकार आप वैल्यूज आपके आगे निकलती। तो देखिए, आधारी हलों की संख्या देखिए कितनी होगी, आधारी हलों की संख्या, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आधारी हलों की संख्या ये कैसे निकलेगी, एन सी एम, ये आपको क्रमचय लगाना है। देखो कितने हैं, 3C2, और 3C2 का अर्थ क्या हुआ, 3 ही मान आएगा, यानी इसके आधारी हलों की संख्या 3 होगी। और वैसे भी आप देख सकते हैं, यानी x पहले x को 0 के बराबर रखा, y z के मान आए, फिर y को 0 के बराबर x z के मान, फिर z को 0 के बराबर रखा और x और y के मान आए, तो ये 3 ही मान आएंगे और तीनों आपके आधारी हलों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आधारी हलों की अधिकतम संख्या इतनी होगी। अब देखिए, जिन चरों को हम शून्य के बराबर रखेंगे, यानी जो चर हम पहले, मान लीजिए x बराबर 0 हम रख रहे हैं, जिन चरों को हम
शून्य के बराबर रखते हैं, सबसे पहले वे ए आधारी होंगे, यानी अब इसको रखा तो ए आधारी ये होगा ए आधारी, और जिन जो चर शून्य नहीं रखे जाते, जो चर शून्य नहीं होंगे, देखो एक्स बराबर जीरो का है, वाई जेड शून्य नहीं होंगे उस वक्त, तो ये आपके आधारी हल होंगे। बस ये डिपेंड करता है आधारी हल, ये आपके आधारी चर हो गए, ये ए आधारी चर है, ये तो ए आधारी चर होंगे, और जो आप रख रहे हैं वाई जेड बचेंगे, ये आपके ए आधारी चर हैं, यानी एक्स बराबर जो जीरो रखेंगे वो तो आधारी होंगे, और जिनको जीरो के बराबर नहीं रखेंगे वो आपके आधारी चर होंगे। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हैं कुछ, तो इसके बारे में हम देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो सब सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक कंडीशन है, आधारी हल विद्यमान कब होगा, आधारी हल तभी विद्यमान होगा, एक चीज आपको और निकालनी है, सारणिक का मान निकालना है, जो आपने अभी आधारित चर कौन से थे, देखो आधारित चर कौन से थे, तो जीरो के बराबर हम नहीं रखेंगे, और ए आधारित चर तो जीरो के बराबर रखे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे सबको समझ में आ जाएगा। एक आधारी हल तभी विद्यमान होगा, एक कंडीशन है आधारी हल तभी विद्यमान होगा जब आधारी हल तभी विद्यमान होगा जब आधारी चरों के जो आधारित चर हैं उनके गुणांकों का सारणिक का मान जीरो के बराबर न हो। जब आधारित चरों के गुणांकों का मान गुणांकों के सारणिक का मान शून्य ना हो, सारणिक निकालना है शून्य ना हो, तो ये आपका आधारी हल है वो विद्यमान होगा, अन्यथा आधारी हल विद्यमान नहीं होगा। एक आपको आधारी कैसे हल कितने निकलेंगे, आधारी हल कैसे निकलेंगे इस फॉर्मूले से, कि आधारी हल कितनी संख्या कितनी होगी, वो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, एनसीएम इसकी सहायता से आप आधारी हलों की संख्या निकाल सकते हैं कि आधारी हल वास्तव में कितने निकलेंगे। और एक बात और, ये आपका आधारी हल एक घात स्वतंत्र होना चाहिए, ये लाइन याद रखना, एक घात स्वतंत्र होना चाहिए, ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये तीन चार कंडीशन आपको याद रखनी है। और आधारी हलों की संख्या भी क्या होती है, सीमित होगी। देखो समीकरण है, आधारी हलों की संख्या सीमित होती है, तो ये आप आधारी हल समझ चुके होंगे। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, क्या है समझ गए ना, आधारी हल समझ गए। आधारी हल क्या था, देखिए दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले तो आपको देखना है समीकरण देखनी है, आधारी हल कह दिया तो उसमें सबसे पहले चरों की संख्या n निकालना है। ठीक है, n निकालेंगे, n का मान और फिर समीकरण की संख्या कितनी आती है, फिर उन दोनों का अंतर करना है, अंतर करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उतने ही चरों को आपको शून्य के बराबर रखना है, यानी अंतर करा, 3-2 था 1, यानी एक चर को शून्य रखना है, तो पहले x को शून्य रख लिया, वाई जेड के मान आ गए, तो एक आधारी हल आपको मिल गया, दूसरा फिर y को शून्य के रखेंगे, एक्स जेड के मान आएंगे, तो दूसरा आपको मिल गया, फिर आप तीसरा करेंगे लास्ट में जेड को, तो एक्स जेड के मान मिलेंगे, तो तीसरा आपको मिल गया, ये आधारी मिल गए। ये जो चर हैं जिनको आप जीरो के बराबर रख रहे हैं वो आधारी होंगे, एक्स बराबर जीरो रखा है तो ये आधारी चर हैं, और बाकी वाई और जेड बचे हैं वो आपके आधारी चर होंगे। ये आधारी हल विद्यमान हो इसके लिए क्या होगा, जो आपने आधारी चर लिए हैं जो जीरो के बराबर नहीं थे वाई और जेड, उनके गुणांकों का सारणिक अगर आप लेते हैं उसका मान जीरो नहीं आना चाहिए, जो सारणिक आप ले रहे हैं उसका मान जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आता है तो वे आधारी हल आपके विद्यमान होंगे। तो ये आपका आधारी हल है, मोटा मोटी आप समझ गए। और आधारी हलों की संख्या कैसे निकालेंगे, एनसीएम इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, क्रमचय संचय की सहायता से, संचय की सहायता से आप यहाँ पर आधारी हलों की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने आधारी हल संभव हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी, तो लिख लो इस चीज़ को। अब जो आपके आधारी हल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, आधारी हल दो प्रकार के होते हैं। आधारी हल दो प्रकार के होते हैं, हल के प्रकार, पहला है आपका एन अपभ्रष्ट नॉन डीजनरेट, और एक है अपभ्रष्ट
या कह सकते हैं इसे डीजनरेट। अब देखो दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए आपने जो आधारी हल निकाला है, यदि किसी आधारी हल में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यदि किसी आधारी हल में जो आपके आधारी चर हैं, आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर, ए आधारी चर नहीं लेना, प्रत्येक आधारी चर ए शून्य हो, यानी जीरो ना हो, ए शून्य हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अन अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाएगा। और अगर कम से कम एक शून्य हो अपभ्रष्ट में, कम से कम एक शून्य हो, कम से कम एक शून्य हो, तो इसे आप क्या कहेंगे, अपभ्रष्ट आधारी हल। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब एक बार ये चीजें लिखते जाओ आप। लिख लो इसको, देखो अब है आधारी सुसंगत हल, वही सेम टू सेम वापिस चीज वही आ गई, आधारी सुसंगत हल ये आपका होना चाहिए, आधारी सुसंगत हल, सुसंगत हल, सुसंगत हल का मतलब क्या था कि यानी वे प्रत्येक प्रतिबंध को संतुष्ट करे, प्रत्येक प्रतिबंध को संतुष्ट करे, और साथ साथ में जो ऋणेत्र हैं आपके, ऋणेत्र जो सुनने वाले थे उनको भी संतुष्ट करे, ऋणेत्र मान ना दे, नेगेटिव मान ना दे, तो वही चीज यहां पर लागू हो जाएगी। क्या नंबर एक, कम से कम एक नंबर कंडीशन है, कम से कम n माइनस m चरों के मान शून्य होंगे, कम से कम होने चाहिए n माइनस m चरों के मान शून्य होंगे, और जो आपके चर हैं, किसी भी चर का मान, किसी भी आधारित चर कह सकते हैं आप, किसी भी चर का मान ऋणात्मक ना हो, किसी भी चर का मान अगर ऋणात्मक आ गया तो आप उसे वहीं छोड़ देंगे आधारित हल के अंदर, आधारित सुसंगत हल के अंदर नहीं आएगा, किसी भी चर का मान ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो, तो ये बस आपका आधारित हल है, सिंपल सी बात है, समझ गए बात को, ये आधारित सुसंगत हल हो गया। बस अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, बहुत हमने 14-15 मिनट इसके अंदर आराम से स्पेंड कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, 2-3 बार रिपीट कर दिया, मेन चीज़ अब समझ में कब आएगी, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, लिख लो इसको, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएंगी चीज़ें भाई, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। ठीक है अब करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है आपको मैक्सिमम जेड बराबर 2x प्लस वाई प्लस का 2z, इसके अंदर कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई प्लस का 2z बराबर दिया है 12 और 3x प्लस 5y प्लस का 8z बराबर दिया है आपको 50। और जो ये चर हैं, देखो चर क्या होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, तो ये ऋणात्मक नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, और पूछा है का आधारी हल का इष्टतम हल, आधारी हल है या फिर इष्टतम हल भी कह सकता है। ठीक है सेम टू सेम वही तरीका, सबसे पहले क्या ज्ञात करना आपको, चरों की संख्या, चरों की संख्या ज्ञात करनी है, चरों की संख्या कितनी आएगी, देखो चर कितने हैं इसके अंदर, 3 चर हैं, आधारी हल ज्ञात करने के लिए पहले चर ज्ञात करने होते हैं, चर कितने हैं 3 हैं, तो n का मान तो 3 हो गया, m का मान देखो समीकरण कितने हैं 1 और 2, m बराबर 2 हो गया। ठीक है तो ये तो आपके चर हो गए, ये समीकरण हो गए, उसके बाद n माइनस m हम करते हैं, उतने चरों को शून्य के बराबर रखते हैं, 3 माइनस 2 बराबर 1 चर को हम शून्य के बराबर रखेंगे, बाकी y और z के मान निकालेंगे,
फिर वाई को करेंगे एक्स जेड के मान निकालेंगे, फिर जेड को करेंगे एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो एक एक जर को शून्य के बराबर रखते हुए हमें मान निकालने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स बराबर जीरो करते हैं और समीकरण बनाते हैं। देखो एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई प्लस का टू जेड बराबर बारह, और नीचे बच गया पांच वाई प्लस का आठ जेड बराबर सात। अब मैंने एक बात कही थी, आधारी हल तभी विद्यमान होगा जब जो आपके आधारित चर हैं, आधारित चर कौन से हैं, जो शून्य नहीं है, वाई और जेड शून्य नहीं है, इनके सारणिक का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इनका सारणिक, गुणांकों का सारणिक देखो क्या आएगा, एक पाँच दो और आठ, आठ आठ में से देखो दस आप घटाएंगे तो माइनस का दो, जो जीरो के बराबर नहीं है, यानी कह सकते हैं आप क्या ये जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी आधारी हल ये विद्यमान होगा आपका, ये जो हल होगा आधारी हल आपका विद्यमान होगा। यहाँ से अब आपको मान निकालने हैं समीकरण को सोल्व करते हुए। तो देखो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, पहला x बराबर जीरो पर क्या बिंदु आएगा, इसको मैं पाँच से गुणा करा दूँ, ये दस हो गया, पाँच से कराएंगे तो ये साठ हो गया। तो देखो मान क्या आएंगे, पाँच से पाँच कैंसिल, ये दो जेड बच गया, यहाँ बच गया दस, जेड का मान आ गया पाँच, जेड का पाँच मान यहाँ पर मैं रखूँगा पचास, ये इधर गया, तो एक्स का मान आप वाई का मान आपके पास दो आएगा, वाई बराबर दो। तो ये पहला आधारी हल आपके पास आ गया है। देखिए कौन सा आधारी हल आया है, जीरो पांच दो, ये आपका पहला आधारी हल है, पहला आधारी हल है। अब देखो दूसरा आधारी हल हम ज्ञात करते हैं, पहला आधारी हल आपके पास आ गया, ऐसे ही दूसरा आधारी हल, दूसरे के अंदर y बराबर जीरो रखना है। अब y बराबर जीरो रखना है तो x के मान देखेंगे, यहां पर देखो y बराबर जीरो रख दिया, यहां पर अब x वाले रहेंगे x प्लस का टू जेड बराबर बारह, 3x प्लस का 8z बराबर 50। अब देखो x और z के जो गुणांक है वो अब आधारी चर हैं, अब y यहाँ पर आधारी चर होगा, और आधारित चरों के सारणिक, आधारित चरों के गुणांकों का सारणिक का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको चेक करनी है। देखो एक तीन दो आठ निकालेंगे, 8 में से 6 बराबर 2 नोट 0, तो यानी ये भी आपका आधारी हल विद्यमान होगा। ये विद्यमान होगा तो आपको मान निकाल लेना है। मान देखिए कैसे निकलेगा, इसको मैं तीन से गुणा कर दूं तो तीन दुआ छः, छः तिया अट्ठारह, ठीक है। अब हल करते हैं, 3x से 3x कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस का 2z और यहाँ नीचे बचेगा माइनस का 50 में से आप 18 घटाएंगे तो आपके पास 32 बच गया ना, ये प्लस z बराबर 16, z का मान तो 16 आ गया, या कुछ गड़बड़ कर दिए अपने शायद, ओहो 12 थी 36, सॉरी 36 है ये, यहाँ बच गया 14 और जड का मान आ गया 7, सॉरी भाई देखो हमने डायरेक्ट मैंने 6 सोचा, जड का 7 आ गया, जड बराबर 7 हम यहाँ पर रखेंगे, 7 छिके 42 और ये इधर जाएगा माइनस का 6 और x का मान देखिए कितना आ गया माइनस का 2, x बराबर आ गया माइनस का 2। तो एक आधारी हल आपके पास और आ गया है, 0 एक्स का मान माइनस दो, जीरो और सात, ये एक और आधारी हल आ गया। टोटल कितने आधारी हल आएंगे, किस सूत्र से निकालेंगे, एनसीएम, एनसीएम क्या था, एन का मान तीन, सी दो, कितना मान आएगा तीन, तीन आधारी हल आएंगे, दो आ गए हैं, एक और कौन सा बचा है, इस बार जेड बराबर जीरो रखेंगे, जेड बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो रखेंगे तो देखो एक्स प्लस का वाई बराबर बारह और 3x प्लस का 5y बराबर 50, सेम वही तरीका। देखो इसका भी सारणिक निकालेंगे, 5 माइनस 3 2 आएगा, नहीं 0 होगा तो 3 से इसे गुणा करा दो, ये भी 36 आ गया। अब देखो जो बच रहे हैं वो बच जाएंगे, माइनस का 2y, सेम वही बचेगा, y का मान भी यहाँ पर कितना आएगा, y का मान भी 7 आएगा, y बराबर माइनस का 14, y बराबर 7 आ गया और ये 7 मान मैंने यहाँ रखा, 7 ये 21, 21 में से आप 36 घटाएंगे तो 15, x का मान बच गया 5, तो ये एक आधारी हल और आ गया, कौन सा, 5 7 0। तो ये तीन आपके आधारी हल आ गए हैं, तीन आपके आधारी हल आ गए हैं, और इनमें से अगर आपसे पूछ ले कि आधारी सुसंगत हल, टोटल आधारी हल, देखो ये तो आपने सीख लिया ना। अब देखो टोटल आधारी हल दो तीन प्रश्न बन सकते हैं, कोई सा भी पूछे, टोटल कितने आ गए, टोटल आधारी हल देखो, पहला देखो क्या था, 0 5 2, ये दूसरा कहाँ गया, ऊपर है ना, माइनस दो जीरो सात,
और तीसरा 5, 7, 0। तो तीन आधारी हल आपके पास आए हैं। अब मैं पूछ लूँ आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल कौन सा है? देखिए ये पूछा है मैंने, कितने हल होंगे आधारी सुसंगत हल के अंदर बताएं। आधारी सुसंगत हल का अर्थ क्या था? कोई भी चर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है तो ये आधारी सुसंगत हल नहीं होगा, बाकी ये दोनों हो जाएंगे। तो 0, 5, 2 और 5, 7, 0 ये आपके आधारी सुसंगत हल होंगे। समझ के बात को, आधारी सुसंगत हल ये आपके आधारी सुसंगत हल हो जाएंगे, ये आधारी सुसंगत हल होंगे। सिंपल सी बात है, प्रोसेस आप याद रख सकते हैं, प्रोसेस याद रखनी है कि कैसे करना, ठीक है, और तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको अधिकतम मान निकालना है, इष्टतम हल, तो आपको देखना है कि किस पर आपका अधिकतम मान आएगा इन तीनों बिंदुओं पर। तो तीनों बिंदु आप ये हैं, और दृढ़ का मान जो आपको दे रखा था, दृढ़ बराबर समीकरण के अंदर रख दीजिए और आपका अधिकतमीकरण मान आ जाएगा। जो दृढ़ था उसके अंदर ये मान रखने हैं तीनों, जो आप निकालते हैं ना वो प्रोसेस वही सेम टू सेम है, तो पहले आप निकाल रहे थे सेम वही तरीका है इसके अंदर भी, तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर पूरा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चन और निकालने हैं आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं आगे। आगे देखो, क्वेश्चन है निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन दे दिया कि सभी आधारी हल ज्ञात करने हैं। तो देखो क्वेश्चन दिया है, x1 प्लस का समीकरण दिए हैं। अब आपको आधारी हल ज्ञात करने हैं, इष्टतम हल ज्ञात नहीं करना। ये पहला समीकरण, दूसरा 2x1 प्लस का x2 प्लस x3 बराबर 5। अब देखो वही आधारी हल ज्ञात करने हैं, प्लस का ही देखिए आधारी हल ज्ञात करने हैं, सिंपल सी बात है। अब कैसे करोगे आधारी हल? वही तरीका, सबसे पहले अन निकालो, यानी चरों की संख्या कितनी है, तो n बराबर कितनी है 3, m का मान कितना है 2। फिर क्या करना, n माइनस m चरों को 0 शून्य के बराबर रखना है, वही सेम टू सेम एक आएगा, एक चर को शून्य के बराबर रखना है। तो सबसे पहला हम x बराबर 0 रखते हैं, x1 बराबर 0, तो क्या समीकरण बनेगा, 2x2 प्लस का x3 बराबर 4 है, और ऐसे ही नीचे x2 प्लस का x3 बराबर 5 है। अब देखो इसका सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आप उसका कह सकते हैं कि आधारी हल आपका विद्यमान होगा। अगर ये सारणिक 0 के बराबर है तो आप आधारी हल नहीं कह सकते। तो देखिए गुणा यहाँ डायरेक्ट करा लो, ऐसे प्रोसेस नहीं करनी आपको। देखो 2 माइनस का 1 यानी 1 है, 0 नहीं आ रहा है, तो यानी इसका आधारी हल विद्यमान होगा। बस इसको सोल्व कर लो, तो देखो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच गया आपका x2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस का 1, x2 बराबर माइनस का 1। तो x2 का मान आपके पास माइनस का 1 आ गया, और इस प्रकार आप x3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। x3 का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर x2 का मान मैं -1 रख देता हूँ, तो ये इधर जाएगा, तो x3 का मान 6 आ गया। तो एक आधारी हल आपके पास क्या आ गया, देखो 0, -1, 6, ये पहला आधारी हल आपके पास आ गया, पहला आधारी हल आपके पास आ गया है। दूसरा हम निकालते हैं, क्या x2 बराबर 0 करता हूँ, अब मैं x2 बराबर 0 करूँगा, देखो क्या स्टेप लेना है आप, ये x1 आएगा प्लस का x3 आएगा बराबर 4 आया, दूसरा 2x1 प्लस का x3 बराबर 5 आया, सेम वही तरीका, घटा दो दोनों को, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस का x1, और ये इसको घटाएंगे माइनस ये रहा, तो आप यहाँ बच गया माइनस का 1, तो x1 बराबर आपके पास 1 आ गया, और 1 ये आप यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास x3 का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो ये एक आधारी हल आपके पास और आ गया, कौन सा, जहाँ पर x2 बराबर आपने 0 लिया है,
x2 का मान 0 लिया है तो आपके पास आधारी हल आ गया, आधारी हल, दूसरा आधारी हल 103, ये दूसरा आधारी हल आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक और आधारी हल ज्ञात करना है, कौन सा, x3 बराबर 0 करेंगे, इसको 0 के बराबर रखा तो x1 प्लस का 2x2 बराबर 4, 2x1 प्लस का x2 बराबर 5। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। देखो पहले चेक करना है कि ये 0 तो नहीं हो रहा, तो 0 तो नहीं हो रहा है, देखो ये 4 हो गया, माइनस का 3 आएगा तो 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए बस। तो देखो यहाँ से इससे सोल्व करेंगे, 2 से इसे गुणा करा दिया, ये 4 हो गया, इसे कराया तो 8 हो गया, तो इसे कट, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3x2, यहाँ बचेगा 3, x2 का मान आ गया 1, x2 का मान 1 आ गया, और 1 यहाँ पर मैं x2 का मान 1 रखूँगा, 4 और x1 का मान आ गया 2, तो एक आधारी हल आपके पास और आ गया, कौन सा, 2 1 और 0, 2 1 0, ये तीन आपके पास आधारी हल आ गए हैं, 2 1 0। अब इनमें पूछ ले, ये तो तीन आधारी हल आ गए, टोटल आधारी हल कह दे तो टोटल आधारी हल तो आपको पता है कि 3 आ गए, लेकिन सुसंगत आधारी हल कह दे तो कौन सा नहीं आएगा, सुसंगत के अंदर कौन सा नहीं आएगा, शाबाश, जो माइनस का है, माइनस का बड़ा है, माइनस वाला कौन सा था, देखो यहाँ पर निकाला था, तो ये सुसंगत आधारी हल के अंदर नहीं आएगा, बाकी सारे मान आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप नेगेटिव वालों को छोड़ना पड़ता है आपको। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे एक दो चीजें हो रही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अब आपसे पूछ ले कि आधारी हलों की संख्या कितनी होगी, आधारी हलों की संख्या समीकरण से ही आपको निकालनी हो तो कैसे, यानी जो परफेक्ट आपके आधारी हल आए उनकी संख्या कितनी होगी, कैसे आप समीकरण के से ही आप निकाल सकते हैं, यानी इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे, डायरेक्ट आप यहां से कर देंगे, यानी क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखिए x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर आपको दिया है 5, और दूसरा समीकरण है 3x1 प्लस का 5x2 प्लस का 3x3 बराबर आपको दिया है 6, और पूछा है कि आधारी हलों की संख्या, तो यहां पर आपको देखिए चेक करना है इनके अनुपात को, जो अनुपात दे रखा है, देखिए आप आधारित चरों को के गुणांकों का सारणिक देखते हैं और कहते हैं कि वो 0 नहीं आना चाहिए, अब किन्हीं के अंदर उनका अनुपात सेम होगा, मान लीजिए दो चरों के अनुपात समान आ रहे हैं, तो दो चरों के अनुपात समान आ रहे हैं तो उनका सारणिक लेंगे तो वो 100% 0 के बराबर होगा। देख लीजिए 1/2 और 1/2 इनका आप ये अनुपात समान है तो आप सारणिक निकालेंगे तो 2 - 2 = 0, तो ये आपके आधारी हल नहीं हो सकते, ये आधारी हल आपके नहीं हो सकते, कौन से, जिनका अनुपात समान है, तो वो चीज़ों से बचना है, बाकी सभी का आपका आधारी हल निकलेगा। देखिए ये चर हैं, तो देखिए इनमें जो समान अनुपात के अंदर हैं उनको छोड़ देना है, तो देखिए 1/3 यहाँ पर देखिए x1 का आप अनुपात निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले x1 के अंदर आप देख रहे हैं, पहले में यहाँ देखिए 1/3 अनुपात आ रहा है, दूसरा 1/5 आ रहा है, और फिर 1/3 आ रहा है। अब देखो मैं इसका इसके साथ हल निकाल सकता हूँ, एक हल आ गया आपका, क्योंकि देखो इनका अनुपात समान नहीं है तो इसका सारणी का मान भी 0 नहीं होगा, दूसरा इसका इसके साथ भी निकाल सकता हूँ, दो हल आ गए, क्या मैं इसका इसके साथ निकाल सकता हूँ, क्या इसी का इसी के साथ, देखो दोनों के अनुपात समान है तो ये नहीं हो सकता, तो टोटल आपके जो आधारी हल हैं, आधारी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऐसे समीकरण से भी आप बता सकते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है कि आधारी हलों की संख्या, इस प्रकार समीकरण दे रखा है, आधारी हलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए कितनी है, 2 संख्या होगी, वैसे संभव कितने थे, 3 संभव थे, लेकिन एक में अनुपात समान है तो ये आप नहीं ले सकते, तो आधारी हलों की संख्या 2 ही होगी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, फिर आप और भी अच्छे से समझेंगे, एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, देखो उसको भी आप समझाएंगे, तो ये आपका पूरा आधारी हल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का x3 प्लस 4x4 बराबर आपको दिया है 6, दूसरा दिया है 6x1 प्लस का x2 प्लस का 2x3
प्लस का 2x4 बराबर आपको दिया है 8 है, सॉरी 8, और बराबर दिया है 15। तो वही तरीका सेम टू सेम अनुपात देखें, जिनका अनुपात सेम है वो नहीं हो सकते, वो आधारी हल नहीं होंगे। वैसे आप देख सकते हैं पॉसिबल कितने हैं, देखो यहाँ पर चार चर हैं, चार सी और समीकरण दो है, तो यानी कितने मान पॉसिबल है, चार का दो तक प्रसार करना है और दो, तो ये छह हल आपके पॉसिबल हैं। वैसे आधारी हलों की संख्या छह हो सकती है, लेकिन इसमें आधारी हलों की संख्या कितनी होगी, देखिए पॉसिबल छह हैं, यानी छह हल, अधिकतम छह हल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर पूछा है कि आधारी हलों की संख्या कितनी होगी, तो आधारी हल वही आएंगे जो आपके, जिनका सारणी का मान जीरो न हो, यानी आधारित चरों के सारणी का मान जीरो नहीं है, और जिनका अनुपात सेम आ गया उनके सारणी का मान जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर अनुपात देखते हैं, ये क्या है, 1:2, यहाँ पर देखिए ये क्या है 2:1, ये क्या है 1:2, और ये भी 1:2, देखिए इन दोनों चरों का देख रहे हैं अनुपात। तो देखिए इसका इसके साथ हो सकता है एक हल आ गया, इसका इसके साथ हो सकता है दूसरा हल आ गया, इसका इसके साथ हो सकता है तीसरा, यानी इसके साथ अलग अलग, पहले ये लेते हैं आप तो एक हल मिलेगा, इसका पहले इसके साथ लेते हैं एक हल मिलेगा, इनके साथ मिलेगा, लेकिन क्या इनका आपस में मिल सकता है क्या, और किसी का हल नहीं मिलेगा, देखो क्यों, क्योंकि अनुपात दोनों सभी में समान है, तो टोटल कितने ही हल आएंगे, केवल मात्र तीन हल आएंगे, कितने हल आएंगे, तीन हल आएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आधारी हल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे बढ़ा, और उसे भी हम एक लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही हैं तो इनको थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।